हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं वोकैब बूस्टर। ए की है थोड़ा जिहड़ा डिटर्मिनर फैक्टर यह लगेगा, डिटर्मिनर फैक्टर इन द सेंस कि जो थोड़े बाकी दे सब्जेक्ट है वह तो देखो सारे ही बच्चे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश नू वेटेज च बहुत घट दी जाती है, इस करके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन छड्ड देंगे है। बट दे डोंट थिंक कि यही जिहड़ा इंग्लिश है ये डिटर्मिनेंट फैक्टर का एक रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी अगर 90 की कट आउट जा रही है, अगर तुम 89 ले है तो वह भी बेकार गए, 89 किते दी भी मेहनत बेकार गई, क्योंकि जिहड़ा एक एक मार्क है थोड़ा तो वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंग्लिश पूरी ही 10 मार्क्स की अगर आ रही है छड़ दें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोच है कि सिर्फ 10 मार्क्स की है तो ये वाला पार्ट स्किप कर दो, क्योंकि ये मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट स्केयर्ड फ्रॉम द इंग्लिश। पर अच आप इस तरीके आप अज शुरू कर जा रहे हैं क्लासिज ये उपर वोकैब बूस्टर के उपर कि थोड़ा इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अपनी जो जो वोकैब बूस्टर होएगा ये अलग अलग परस्पेक्टिव कवर करेगा इंग्लिश दे, जिमें इडियम्स हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूट हो गए, वर्ड मीनिंग सिनोनिम एंटोनियम, ये सारी चीज़ों आप कवर करांगे। तो फर्स्ट अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं इडियम्स तो। फाइन, इडियम्स की है देखो, पहला वाला है बैड हेयर डे और बैड पैच, इक्को जा ही मीनिंग है, ऑलमोस्ट इक्को जा ही मीनिंग है दोनों का। लेट मी सिलेक्ट द पेन। हाँ जी, एक जहाँ मीनिंग है, दैट मीनस जो तो आप सारी चीज़ ही लगती है कि रोंग जा रही है, सारा कुछ ही माड़ा माड़ा जाता है, बंदे के आपे ही बाल खिलर जाते हैं, ठीक है। द बैड हेयर डे, इस तो याद रख सकते हो कि वो हेयर कहो जहाँ बैड, दैट मीनस वो देखो आ परसन की है, ये बाल बेचारे दें जो हुए पे है, इतने ये फसया हुआ है, दैट मीनस लाइफ की कोई यहोजी सिचुएशन से फसया हुआ है जिथे इनू कितने भी रस्ता नहीं दिख रहा, कि किसी भी पास इनू रस्ता नहीं दिख रहा, तो इनू आप कहोंगे अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रोंग, हर चीज़ ही ऐ लगती है कि गलत ही गलत जाई जा रहा है सब कुछ, किसी भी पास कोई रस्ता नहीं है। फिर है रजे बैड पैच, कितने बैड किसी चीज़ का पैच लग जाना, ठीक है। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, इनू भी क्या आख्या जाता है, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, किसी औखा टाइम, आ भी की शो कर रहा, औखा टाइम ही है बेचारा, सौखा तो है नहीं इतने कि इनू अगर रस्ता लभदा हो जा सके, तो पीरियड ऑफ डिफिकल्टी दैट मीनस औखे टाइम से फस जाना, कोई औखे टाइम आप कहने आ बैड पैच। नैक्सट है बी हाइव, बी हाइव तुम देखा होगा एक जो मधुमक्खियों का छत्ता होंगे, इतने बहुत सारिया बीज होंगे, बहुत ज़्यादा नैक्टर इकट्ठा कर दी हैं, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टिड जो बी हाइव बनया हों, ठीक है, कॉम बनया हों, बहुत ज़्यादा इतने बहुत सारिया मक्खियाँ कट्ठिया रहा, तो इनू की आख्या जाता है बिजी प्लेस, जिमें आप इस जगह कह सकते हैं किन्ने ज़्यादा लोग एक ही जगह पर मस्टर है, एक जगह पर कलैक्ट हुए हैं, तो इनू की कहोंगे बिजी प्लेस दैट इज बी हाइव। फाइन, अगला रजे बिग ड्रॉ, हूँ देखो तुम कितने ड्रॉ पाया तो बहुत व्डा निकले तो सारे की अटेंशन उत्थे जाऊगी, वो अपने आप से ही अट्रैक्ट करेगी वह चीज़, थोनों वो चीज़ थोनों अट्रैक्ट करेगी, तो इनू आप कहोंगे ह्यूज, ह्यूज मीनस बिग अट्रैक्शन, जिदे वाल ध्यान जाए जो तो किसी का व्डा ड्रॉ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बहुत वीडी लॉटरी निकले तो नैचुरली वो बंदा अट्रैक्शन तो अपनी सीख करेगा ही, ठीक है, तो उन्होंने की कहोंगे ह्यूज अट्रैक्शन, की कहोंगे आप बिग ड्रॉ, कोई भी चीज़ जी अपनी अट्रैक्शन ज़्यादा अट्रैक्शन अपना ध्यान वो लेके जाए उन्होंने आप कहोंगे बिग ड्रॉ। नैक्सट है बच्चा वर्ड्स आई व्यू, ठीक है, जिमें आ देखो तुम किसी प्लेन च जा रहे हो तो प्लेन च बैठे बैठे विंडो के जो कोई परसन नीचे का व्यू देखता है तो उन्होंने कहा जाता है बर्ड आईज व्यू, बिफोर द प्लेन लैंडिड पैरिस वी हैड बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, जो हजे जो प्लेन है लैंड करना सीगा उस तो पहले ही असी सिटी का उपरों किसी चीज़ को देखना, डीप स्टडी ना करनी, तो उत्थे की कहा गया बर्ड्स व्यू, तो इनू कहोंगे आप जर्नल व्यू फ्रॉम अबव, किसी चीज़ को उपरों देख लेना, जिवें आप रिविजन करते हुए भी कई बार करते जो फाइनल रिविजन हो जाती है सारी गो थ्रू हो जाने तो उपरों सिर्फ पॉइंट देख लें, तो उन्होंने की कहोंगे आप बर्ड्स आईज व्यू। ये अपना डेली आप जो पांच ईडियम हो गए डेली पांच पांच के सैट नाल करया करांगे, फाइव ईडियम्स हो गए, हुण नैक्सट आप जो फाइव है वह सिनोनिम्स करन लगे हैं। सिनोनिम्स की हुंदा राजे, प्राइवाची, प्राइवाची हुंदा एक ही वर्ड है, एक वर्ड के नाल दे सेम मीनिंग वाले होर वर्ड्स, तो उन्होंने करांगे, तो इस आप पढ़ते हैं अबंडन, देखो अबंडन की हुंदा, अबंडन हुंदा छड्डना, या त्याग देना,
किसी भी कारण किसी चीज़ को छड़ देना या त्याग देना उन्हें की आख्या जाता है एबंडन। जिवें आ देखो परसन फोटो भी शो हो रहा है आपका घर बार सब छड़ के जा रहा है तो उन्हें की आखेंगे एबंडन अबंडन हॉन्टेड प्लेस जिवें आप कह दें ठीक है हॉन्टेड हाउस कह दें तो यह बंडन की है किसी चीज़ को त्याग देना छड़ देना। तो ये नाल के कि वर्ड है फस्ट है डैजर्ट। डैजर्ट की होंगे जिवें मरुस्थल होंगे तो उन्होंने क्या छड़ देना कि बैरन लैंड है अनकल्टीवेटिड है उत्थे कोई कल्टीवेशन नहीं होंगी कोई भी जड़ी सिंचाई है नहीं होंगी कोई खेती नहीं होंगी तो उन्होंने अं छड़ दिता जाता डेजर्ट्स अं पे है उत्थे कोई खेती नहीं किसी के खेत नहीं वंडे हुए उत्थे तो वह की है अबंडेंट प्लेस है समझ सकते हो क्योंकि जी अपनी फर्टाइल लैंड है उस सारी जगह हरेक बन जितने भी लोग उत्थे रहिंदे है उन्होंने आपके खेत की पार्टीशन की हुई है फील्ड्स कट्टे हुए है जां जिहड़ी आपां सिटी च रहिंदे प्लॉट्स कट्टे हुए है पर जिहड़ी जगह नूं अहीं छड्ड दित्ता गया डेजर्ट क्योंकि वह अनकल्टीवेटिड है तो अहीं किन्ने किन्ने किलोमीटर डेजर्ट्स अहीं पए है। फॉर सेक किसी दे सेक किसी दे लई किसी चीज़ नूं त्याग देना छड्ड देना तो यह है किसी होर दे लई किसी भी तरीके नाल त्यागना वो आएगा अबंडन दे सिनोनिम्स। तो फोर सेक लाइक किसी दे लई त्याग देना। अगला रजे लीव लीव की होंगे जाओ चले जाओ छड्डना इतों। गिव अप भी होंगे क्विट करना छड़ दो इस चीज़ को और आप कहने कि हूँ बहुत हो गया गिव अप ठीक है या थोनू गिव अप नहीं करना चाहिए सी हजे चांसेस है कि तुसी जित जाते तो गिव अप होंगे छड़ देना किसी चीज़ को। रेलिनक्विश रेलिनक्विश का मीनिंग होंगे एक मिनट रिफ्यूज करना किसी चीज़ को रिजाइन करना। रिफ्यूज़ की है मना करना तो रिजाइन की है आपकी जिहड़ी भी थोड़ी लाइक किसी परसन की पोस्ट है उस तो रिजाइन बंदा कदों करेगा जो उस चीज़ को नहीं उन्होंने कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही तो उन्होंने छड़न वेले की करता है रिजाइन। तो रैलिन कुछ हो गया रजे रिफ्यूज़ या रिजाइन। क्विट होंगे अगेन छड़ देना। फिर हो गया रिनाउंस अगेन होंगे किसी चीज़ को अगेन छड़ देना। सरेंडर रजे कदों किया जाता है जो बंदा थक जाता है ठीक है कि इतने सर्वाइवल नहीं है तो वह अपने आप को सबमिट कर दे जिहड़ी भी अथॉरिटी है वो अगे सर्वाइवल करना बंद कर दे अपना जो रजिस्ट करना बंद कर दे ते उत्थे आपदे आप नूं सरेंडर कर दे ते उन्हों की कहा जाता है अपने आप नूं सबमिट कर दे उस नूं आपां कहिंदे आ सरेंडर। वेकेट भी हुंदा खाली छड़ना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आप वेकेशन नाल भी इहनूं याद कर सकते हैं ठीक है वेकेशन नाल जिवें वेकेशनस की हुंदियां तुसी उस स्कूल नहीं जाते छुट्टियां होंदिया कोई काम नहीं होंदा तो उन्होंने की खाली जिहड़े दिन है उन्होंने की आख्या जाता है वेकेशन। ड्रॉप किसी चीज़ को छड़ देना ड्रॉप करना ड्रॉप इस चीज़ भी की कहेंगे आप छड़ना। तो जिन्हें भी यह वर्ड है अबंडन दे आई होप कि क्लीयर हो गए होंगे सब का मीनिंग की है रजे किसी भी सिचुएशन से किसी चीज़ को छड़ना या त्यागना त्याग कर देना किसी चीज़ का जिमें कि डैजर्ट जी खाली जगह पी है मरुस्थल की क्योंकि उत्थे कोई क्रॉप नहीं होंदा। नैक्सट है फोर्स है किसी के हित दे लई कोई चीज़ छड़ देनी। लीव तो आप देखो लीव छड़ दिने ठीक है किसी चीज़ को लीव इट। गिव अप भी होंगे क्विट करना क्विट तो आह सारे ही एक दूजे के सिनोनिम्स है। रेलिनक्विश हो गया किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करना या रिजाइन कर देना। रिजाइन बंदा उदों करता जो आप लगता कि हूँ सर्वाइवल नहीं है तो उस चीज़ में आपकी जी जॉब है उत्थे रिजाइन कर दिंदा छड़ दिंदा। रिनाउंस भी है गिव अप सेम चीज़ है छड़ना किसी चीज़ को। सरेंडर दैट मीनस जिहड़ा रजिस्ट करना बंद करता तो आपदे आप सबमिट करता उस चीज़ को उस सिचुएशन आप कहने सरेंडर। दैन वेकेट छड़ देना खाली ड्रॉप अगेन किसी चीज़ को ड्रॉप कर देना छड़ देना ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स सिनोनिम्स फॉर अबंडन। नैक्सट आ जाए हुन पिजन ए और बी गल कर रहे हैं ठीक है। तो पिजन ए पूछ रहा है कि अकम्पलिस की होंगे अकम्पलिस तो यह दसना आप कि अकम्पलिस की है तो अकम्पलिस पंजाबी की कहोंगे साथी। अकम्पलिस होंगे साथी कौन राजे जो काम करे नाल किसी भी तरीके नाल किसी भी चीज़ करके जो नाल काम करता है उन्होंने असं की कहने साथी। जिमें भी एक दूजे के की है इस तो याद कर लो कि ये दोनों ए ते बी पिजन एक दूजे नाल गल कर रहे ये भी एक दूजे के की है अकम्पलिस है ठीक है जी। फोर फस्ट अपना आ गया कन्फीडरेट। कन्फीडरेट हुंदा रजे फैड जिहड़ा वर्ड है जिथे भी फैड वर्ड आ गया जिवें कि आप दूजी भी अपनी जी पहला वीडियोज़ है उस भी आप रूट वर्ड्स कर रहे हैं ठीक है। फैड का मीनिंग हुंदा ट्रस्ट विश्वास।
जिहड़ा तुहाडा साथी बनूगा कोई भी जिहदे नाल काम करोगे क्यों करोगे जे उसे विश्वास हैगा फिर ही करोगे तो कन्फीडरेट हुंदा है किसी संधि करके दैट मीनस किसी ट्रिटी करके या कोई अग्रीमेंट होया होवे उहदे करके जदों लोग नाल काम करदे जिवें कई अगर कंपनीज आ उहदी कॉन्फ्रेंस बुलाउंदियां कॉन्फ्रेंस कहदे वास्ते बुलाई जाती है ताकि किसी चीज़ से सहमति हो सके जो भी कोई लाइक लॉ या कुछ भी चीज़ इशू करनी है ठीक है इंप्लीमेंट करनी है उदो कॉन्फ्रेंसिस होंगे तो जिवें कॉन्फ्रेंस तो भी याद कर सकते हो जो सारे लोग कट्ठे होकर ज कोई दो परसन कट्ठे होकर साथी जिससे विश्वास हो उस ही आप काम करना चाहवागे तो उन्होंने की कहा जाऊगा कॉन्फीडरेट जिससे विश्वास होगा फेड मीनस विश्वास तो जिससे विश्वास होगा उस की जा सकता है उसे साथी बनाया जा सकता है। नैक्सट है रजे असैसरी हुण जिहड़ा वर्ड है असैसरी असैसरी देखो तुसी असैसरीज भी सुना होगा कि इहदियां असैसरीज है जिवें कार हुंदी अपनी ठीक है उपकरण उपकरण सहयोगी उपकरण जिवें कार हो गई या कोई भी आपां असैसरीज आपां कार बाय करदे हां उहदे नाल होर भी असैसरीज आपां लैंदे हां तां उहनां नूं की आख्या जांदा है सहयोगी उपकरण तो असैसरी की हो गया रजे ये भी इहदा मीनिंग भी है सहयोगी नैक्सट है एसोसीएट एसोसीएशन सुनिया होनिया एसोसीएशन कद ना बनती है दो ज एक तो वध इकट्ठे होके ठीक है उहनूं आपां एसोसीएट कहने किसी नाल इकट्ठे होना सहयोग देना। नैक्सट वर्ड है एली एली फ्रेंड नूं आख्या जांदा है ठीक है इकट्ठे होना एबेटर ये थोड़ा इंट्रस्टिंग वर्ड है दोस्त तो है साथी तो है पर कहो जा साथी है ठीक है ये फर्क पैंदा देखो अ बैटर बैट वर्ड है बैट की हुंदा शर्त लाउणी शर्त दैट मीनस जिथे रिस्क फैक्टर हुंदा उथे शर्त लगती है एक जने का रिस्क हुंदा अ बैट हुंदा रजे वह परसन जिहड़ा थोनू गलत काम करन लई उकसाउंदा है एक्साइट करदा है कि हाँ जी इत्थे बैट ला दो ठीक है पैसों की बैट लगती है गैम्बलिंग होंगी है तो माड़ी चीज़ ही है रजे बैट में आप कहे बुरी चीज़ गैम्बलिंग है तो अ बैट हुंदा वह परसन जिहड़ा थोनू इंटाइस करता है कि तुसी बैटिंग करो तो अ बैटर पूरे वर्ड का भी यही मीनिंग है उहो जिहा साथी जिहड़ा गलत कम्मां लई प्रेरित करे दैट इज़ अ बैटर। नैक्सट आ गया पार्टनर आई होप ये सारे यह वर्ड तो सारा नहीं पता है कि पार्टनर कौन हुंदा ठीक है जी पार्टनर जिहड़ा साथी कोलैबरेटर कोलैबरेशन भी किवें हुंदियां नाल सहयोग करके जो सहयोगी है साथी है उन्होंने की आख्या जाता है कोलैबरेटर क्लब। फिर रजे असिस्टेंस असिस्टेंट हुंदा जिहड़ा अपने अगे काम करता है वह भी साड़ी हैल्प करता है वह भी सहयोग करता है कलीग कलीग भी जिहड़ा नाल काम करे तो सारे ही जिहड़े वर्ड है इन्हां दा मीनिंग है साथी या सहयोगी सारे का मीनिंग आ गया साथी या सहयोगी। पहला सीगा अपना कॉन्फीडरेट जिहड़ा कि किसी ट्रीटी एग्रीमेंट करके अपना साथी बनया होवे। नैक्सट आ गया असैसरी दैट मीनस सहयोगी एसोसीएट किसी दे नाल एसोसीएट होके किसी नाल जुड़ के काम करना एली फ्रेंड वांगू अबेटर जिहड़ा अबेटर किनू कहांगे आपां जिहड़ा आपां माड़े काम दे लई उकसावे दैट इज़ अबेटर। दैन पार्टनर पार्टनर जिहड़ा नाल काम करदा कलैबरेटर क्लब होके सहयोग दे के दो एसोसीएशन इकट्ठियां होके कलैबरेट करन असिस्टेंट जिहड़ा नाल साडे काम करदा ठीक है अंडर काम करदा दैट इज़ असिस्टेंट। दैन कलीग जिहड़े नाल दे काम करन वाले जिहड़े अपने इंपलॉइज़ है उन्हां नूं आपां की कहिंदे आ कलीग्स। हाँ जी रजा आई होप कंप्लीट क्लीयर हो गया होगा जिहदा मीनिंग है साथी या सहयोगी। हाँ जी नैक्सट वर्ड आ गया अपना एबरेंट एबरेंट जिहड़ा वर्ड है यह इहदा मीनिंग है अजीब थोड़ा अजीब होवे बाकी चीज़ां नालों अलग होवे अलग होवे अजीब होवे तां उहनूं आपां कहांगे एबरेंट दैट मीनस देखो अ मोस्ट ऑफ द वर्ड जिथे अ आ जाता है उहदा की मीनिंग बन जाता है नॉट अ लगन नाल की बन जाता है नॉट। फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां वर्ड करते हैं थीस्ट थीस्ट हुंदा है परमात्मा नूं मनन वाला तो अ थीस्ट कौन हुंदा ए सीगा परमात्मा नूं मनन वाला तो अ थीस्ट हो गया नॉट परमात्मा नूं ना मनन वाला तो उहनूं आपां कहांगे अ थीस्ट। तो ये जिहड़े सारे वर्ड है एबनॉर्मल ए पहले ए वाले कर लैंदे आ टिपिकल नॉर्मल हाँ जी पहले इन्हों डिस्कस करते हैं हूँ देखो सारे जो नॉर्मल ना हो अजीब अलग सारे तो उन्होंने की आखेंगे एबरेंट इस भी ए आया होया सारे जो नहीं है ये चीज़ ना हो एबरेंट जो नॉर्मल ना होखा अजीब अगे आ गया रजे
एनॉर्मस, ठीक है, मिल के हुंदा बुरा माड़ा, ठीक है, जिहड़ा चंगी चीज नहीं है वह भी की आ गई एबरेंट। दैन आ गया अटिपिकल, जे टिपिकल चीज़ा ना हो, आप कहने टिपिकल जिहड़ियां रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए है, जिहड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानता उन्हूं आप की कहने अटिपिकल, जिहड़ा ना मन्ने वह बन गया अटिपिकल, जिहड़ा मन्ने वह बन गया टिपिकल। फिर डेवियंट, डेवियंट का भी यही मीनिंग है अलग जहा होना, अलग ही सोचना वह, इरेगुलर, रेगुलर होंगे जिहड़ी चीज़ चली जाती है, जे चीज़ चली जाती है तो इर का मतलब ही होंगे नॉट, जिवें आई एम पॉसीबल है इंपॉसीबल बन गया, आई एल लीगल है इलीगल बन गया, आई आर जिवें इत्थे लिखे आपां रेगुलर, ये सारे ही जिहड़े वर्ड आ अ हो गया सारे का मीनिंग है नॉट। अगर किसी वर्ड के अगे आ जाते हैं वर्ड का मीनिंग की बना देंगे नॉट, इरेगुलर जिहड़ी चीज़ रेगुलर ना हो वे, देखो ताही वो अलग होगी ना, जे तो रेगुलर होंगी फिर तो एको जी होंगी, फिर आपां नूं अलग ना कहिंदे, तो इरेगुलर का मीनिंग भी की है अलग। फिर रजे पिक्यूलीयर, दैट ऑलसो मीनस अलग, डायवर्जेंट, डायवर्जेंट जिहड़ा ऐ अलग हो जाए, जिवें रोड भी, रोड के भी डायवर्जेंट्स बने होंगे है जिहड़ा अलग हो जाए। अननैचुरल, जिहड़ी चीज़ नैचुरल ना हो, कुदरती ना हो, कहने अननैचुरल। दैन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीनस अजीब, अलग ही लगे हो सब तो, बाकी इको जे लगते लोग पर किस कोई यहोजी हरकत करे कि आपां नूं ओह अजीब लगता, स्ट्रेंज लगता। दैन है बेटा अरेंट, इहदा मीनिंग भी यही है सेम, अजीब या अलग। आई होप ये जिहड़े वर्ड्स है अबरेंट दे क्लीयर हो गए होणगे। नैक्सट आ गया अब्रिज, हूँ देखो ये आ गया अपना ब्रिज वर्ड है, आप याद करने लिए सिर्फ इनू कर रहे हैं। ब्रिज की करता है दो पॉइंट्स नू जोड़ के, जिहड़ा रस्ता है बहुत लंबा पैना सी उहनू की कर दिंदा, शॉर्ट कर दिंदा, तो इहदा की मीनिंग है किसी चीज़ नू संखेप करना, शॉर्ट कर देना, जिवें तुसीं पहला चैप्टर दे विच समरी करते हुंदे सीगे, किन्ना पूरा वड्डा चैप्टर हुंदा सी उहनू एक पैराग्राफ च डिस्क्राइब कर दिंदे सी, उहनू की आख्या जांदा सी उहदा सार या समरी, ठीक है, तो वह संखेप दे विच, शॉर्ट दे विच, ब्रीफ दे विच दसना, दैट इज़ ब्रीफ कर देना किसी चीज़ नू, उहनू आपां कहांगे अब्रिज। फॉर एग्जाम्पल जे तुसीं कोई मूवी देख के आए हो, ठीक है, तो आपके फ्रेंड नू वह मूवी सुना रहे हो, मूवी सी ढाई घंटिया की, तो तुसीं उहनू सिर्फ पाँच दस मिनटा चो सारी स्टोरी है जिहड़ी सुना दोगे, ये तो नहीं होगा कि पूरे ढाई घंटे तुसीं उहनू सुनाई जाओगे, तो तुसीं उहदी कि फॉर्म सुनाई उहनू अब्रिज्ड फॉर्म, वह सुनाई तुसीं उहनू अब्रिज्ड फॉर्म। तो जिहड़ी डेफिनेशन इहदी किवें करांगे राजे, स्पोर्ट अटैच स्टिकिंग ते जिहड़े आह शॉर्टन करना किसी चीज़ को संखेप च कर देना, कंडेंस, कंडेंस मिल मिल्क देखो किहड़ा बन जांदा गाढ़ा मिल्क, कंडेंस की होंदा गाढ़ा। फॉर एग्जाम्पल तुसीं किलो दुध रख्या सीगा उबलना, ठीक है, जिवें कंडेंस मिल्क की ही गल लैने आपां, तो वह उबल उबल के गाढ़ा हो गया, जदों अद्धा क रह गया, शॉर्ट हो गया पर गाढ़ा हो गया, तो कंडेंस भी की हो गया किसी चीज़ को घटा देना। फिर है गया एब्रीवेशन, एब्रीवेशन फॉर एग्जाम्पल जिवें डॉक्टर, डॉक्टर ए लिखा जाता है, ठीक है, तो यह की है शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर की, शॉर्ट फॉर्म है एक बन गया डॉक्टर। फिर है जिवें प्रोफेसर, प्रोफेसर ए लिख सकते हैं बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बी बी ए, जिन्हें भी होर कोर्सिज है सारे की एब्रीवेशन आप यूज करते हैं। फिर एंटोनियम्स भी ये है, आप कर सकते हैं एक्सपेंड एंड लार्ज युगमेंट, एंटोनियम की होंगे ऑपोजिट वर्ड, इस आप ऑपोजिट वर्ड भी कवर कर रहे हैं, दैट मीनस किसी चीज़ को बधा देना, ये सीगा छोटा कर देना, तो ऑपोजिट की होगा राजे किसी चीज़ को इलैबोरेट कर देना, ज़्यादा डिटेल से लै जाना, एक्सपेंड कर देना। हुण फिर पिजन ए बी नू पुछ रहा है, ठीक है, कि एबिलिटी दे की सिनोनिम्स हुंदे है, होर की आख्या जाता है एबिलिटी, एबिलिटी की हो गया राजे योग्यता, किसी चीज़ की योग्यता, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी भी आप ऐसे नू कहने हैं एबिलिटी, जिथे एबिलिटी वर्ड आ गया दैट इज की यह साड़ी योग्यता नू, कपैसिटी आप कहने ना कि इस किन्नी कपैसिटी है, कि इस लाइक कंटेनर भी है तो किस किन्नी कपैसिटी है कि इस चीज़ पा सकी। कंपीटेंस की कंपीटिशन कहदे लिए कराए जाते हैं, थोड़ी योग्यता देखने के लिए, तो वह कंपीटेंस, कंपीटेंस कौन होगा जो योग्य होगा, जो योग्य होगा वह कंपीटेंस उसे कहने आप। फैकल्टी, हुण जे किसी जगह जो फैकल्टी हायर की जाती है, जो लोग पढ़ाते हैं जो काम करते हैं, तो वह किहड़े लोगों को हायर, के अगर थोड़ी कोई कंपनी होवे तुसीं किहड़े लोगों को हायर करोगे, ठीक है, किहो जी फैकल्टी नू हायर करोगे जो योग्य होन, तो दैट मीनस तुसीं उन्हां दी की देखोगे एबिलिटी देखोगे कि वाकई इस बंदे च स्किल्स हैगे है, ये योग्य है, उसके स्किल्स चैक करोगे कि ताही उसनू हायर करोगे। तुसीं टैलेंट चैक किया जाता है, एबिलिटी होर की हो गया टैलेंट, टैलेंट
एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट सुने होंगे, वो भी थोड़ा टैलेंट या थोड़े स्किल्स या थोड़ा कंपीटेंस चेक करने के लिए ये जो टेस्ट है कंडक्ट किए जाते। एक्सपर्टाइज एक्सपर्ट कौन होंगे राजे? एक्सपर्ट वो होंगे जिहड़ा कि वैल ऑर्गेनाइज हो, बहुत एफिशिएंट होवे, उन्हूं आपां कहिंदे आ इस चीज़ का ही एक्सपर्ट है, तो उस तों बनिया वर्ड एक्सपर्टाइज। प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी भी की है, बहुत अच्छा होना एफिशिएंट, जिन्हों आपां कहिंदे एफिशिएंट है ये बहुत अच्छा है, तो उस तों बनिया ये वर्ड प्रोफिशिएंट। एफिशिएंट मीन्स बहुत अच्छा, तो प्रो प्रो की होंगे, प्रो शॉर्ट फॉर्म है प्रोफेशनल दी, जिहड़ा प्रोफेशनली बंदा बहुत एफिशिएंट है, दैट मीन्स कैपेबल है, बहुत एबल है, एबिलिटी है, एबल की हो गया योग्य हो गया, तो गिफ्ट भी कह सकते भाई ये तो गिफ्टेड चाइल्ड है, ये बहुत ही योग्य है। तो राजे ये सीगे अपने सनोनियम्स, ठीक है, जिहड़े आप हुण तक किए हैं। हुण आप करन जा रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होंगे पूरी लाइन के लिए, पूरी लाइन के लिए एक वर्ड, ठीक है। तो अज वाले जिहड़े वर्ड अपने वो है साइड, जिथे भी वर्ड आ गया साइड एदा मीनिंग होगा मारना, किलिंग, डैथ, डैथ नाल रिलेटिड, मारन दे नाल रिलेटिड होणगे। फॉर एग्जाम्पल जिवें आ देखो आ एक स्प्रे है, तो कि अगे पिछे भज रही है माइट, अगे माइट की हुंदा स्योंक, स्योंक नूं माइट कहिंदे है, तो माइट अगे अगे भज रही है, तो इहदा की नाम रखा गया एकरी साइड, साइड तो जिथे भी आ गया दैट मीनस किलिंग। स्योंक नूं मारन लई जिहड़ी चीज़ यूज़ की जाती है उहनूं आख्या जाता है एकरी साइड। साइड सुसाइड तुसीं सुनिया होगा, सु हुंदा है सैल्फ, ते साइड हुंदा आपदे आप नूं मार लेना, सुसाइड। फिर आ गया एफीसाइड, एफीसाइड हुंदे आ बहुत छोटे छोटे जे, बहुत छोटे छोटे जे इनसैक्ट कीड़े, तो उन्होंने की आख्या जाता है एफीसाइड, कीड़ियां नूं मारन लई। देखो आ कंपनी ने आपदी प्रोडक्ट का नाम भी एफीसाइड प्लस रख्या होया है कि ये कीड़ियां नूं जिहड़े कीटनाशक है उन्होंने मार, कीड़ियां नूं मारदी है, तो इन कीटनाशक नूं एफीसाइड प्लस आख्या गया। नैक्सट आ गया एलगीसाइड, एलगी आह जी हरे वाई जम जाती है पानी के उपर, किलर ऑफ एलगी, यू साफ करने के लिए जी चीज़ यूज़ की जाती है उसनों आख्या जाता है एलगीसाइड। हाफ वर्ड तो आप ऑलरेडी कर चुके, साइड साइड की है मारना, तो एलगी की आह ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है इसको खत्म करने लिए मारन लिए यूज़ की जाती है एलगीसाइड। फिर अगे फिर साइड आ गया दैट मीनस मारना, एमी एमीएबल, ठीक है। फ्रेंड ये किस लिए यूज़ किया जाता वर्ड? फ्रेंड के लिए आपके फ्रेंड को मार देना, मर्डर ऑफ अ फ्रेंड इज कॉल्ड एमीसाइड। नैक्सट लास्ट वर्ड आज का आ गया फिफ्थ वर्ड एवीसाइड, एवी रजे यूज़ किया जाता बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है एवी, किलर ऑफ बर्ड्स। देखो किवें बेचारे बर्ड नूं मार रहे हैं, सो दैट इज़ जिहड़ा साइड की है किलिंग, ते एवी की है बर्ड्स, बर्ड्स नूं मारना दैट इज़ कॉल्ड एवी साइड। सो अज अपने पांच पांच जिहड़े सैट है ये सारे हो गए, सिनोनिम से हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया और इडियम से हो गए। सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।